तो गाइज फाइनली OPPCL TG2 का वैकेंसी आ गया है, आप लोग दे सकते हैं। और हाँ, इसमें सभी लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो भी ऑल इंडिया वाले सभी ITI वाले NCVT SCVT सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, और यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे 891 पोस्ट पर इसका वैकेंसी निकल गया है, जो कि यहाँ पे देखिए अनारक्षित के लिए 357 है, उसके बाद यहाँ पे OBC यानी कि नॉन क्रीमी लेयर के लिए 241 है, उसके बाद यहाँ पे अनुसूचित जनजाति जनजाति के लिए यहाँ पे 17 है, और अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे 187 पोस्ट निकला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होगा, और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया भी अपनाया जा सकता है, क्योंकि यह जो है एक ही दिन में दो शिफ्ट पर हो सकता है एग्जाम, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। उसके बाद देखिए आपको जो यहाँ पे वेतन कितना मिलेगा, तो वेतन यहाँ पे आपको मिलेगा 27,200 मिलेगा वेतन, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता क्या होगा, तो आपको NCVT SCVT दोनों में से किसी में भी ITI किया रहना चाहिए, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप यानी कि 10th पास होना चाहिए, ठीक है, ये बताया जा रहा है। उसके बाद आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे उम्र का अगर बात करें एज का, तो 18 से 40 वर्ष यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे एक और बात दिया गया है कि देखिए आप लोग यहाँ पे अगर डिस्टेंस से बहुत लोग यानी कि कोई कोई BA अगर कर रहे हैं तो उसके साथ अगर कर लिए ITI, तो यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ यानी कि डिस्टेंस जो जो किए हैं, सॉरी जो जो डिस्टेंस से किए हैं यानी कि रेगुलर जो जो किए हैं ना, सिर्फ वही लोग यहाँ पे भर सकते हैं फॉर्म, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए आयु में छूट यानी कि एज में छूट देने के लिए यहाँ पे कुछ यानी कि जो सरकार का नियम रहता है उसके द्वारा यहाँ पे मिलेगा। और फिर अगर हम लोग बात करें तो देखिए जो भी यानी कि उत्तर प्रदेश का है और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं उनको 826 लगेगा, और जो भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश के बाहर का है या तो फिर जो भी जनरल में आते हैं उनको यहाँ पे 1180 लगने वाला है, ठीक, ये हो गया। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे किस तरह से भरना होगा, कहाँ पर क्या करना होगा, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से जा करके भरना होगा। हालांकि इसका भरने का डेट जो है अभी नहीं इसका जारी हुआ है, ये सब बताया जा रहा है। और OBC जो भी होंगे NCL यहाँ पे पढ़ लीजिएगा अपना अच्छा से, टेलीग्राम में इसका यानी कि डाल दूंगा, ठीक है, इसका PDF में टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ पे जा करके आप लोग देख सकते हैं अच्छा से, ठीक। उसके बाद आप आगे हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर का जो भाग रहेगा वो CCC एक कोर्स होता है, उसी के लेवल के यहाँ पे 50 अंक का होगा ये कोर्स, ठीक है, और प्रत्येक एक नंबर का होगा, और यहाँ पे 1/4 यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। उसको यहाँ पे बोल रहा है कि कंप्यूटर ज्ञान में यानी कि प्रथम भाग में 20 अंक यानी कि प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ठीक है, ये बताया जा रहा है। उसके बाद अगर आप लोग अगर कंप्यूटर का यानी कि प्रथम भाग का अगर पास नहीं करते हैं, तो आपका ये जो है द्वितीय यानी कि भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर जो भाग है CCC यानी कि लेवल का जो यानी प्रश्न पूछेगा उसमें आपको यानी कि पास होना बहुत जरूरी है। उसके बाद दूसरा भाग जो होगा उसमें आपको देख सकते हैं यहाँ पे यानी कि मैथ और रीजनिंग से 20 क्वेश्चन रहेगा, हिंदी जनरल हिंदी से 15 क्वेश्चन रहेगा, जनरल इंग्लिश से यहाँ पे 15 क्वेश्चन रहेगा, और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेड से यहाँ पे 150 क्वेश्चन होने वाला है, और सभी एक एक नंबर के रहेगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि चयन हेतु द्वितीय भाग की परीक्षा में कम से कम आपको 33 यानी कि 33.5% नंबर लाना पड़ेगा, जो कि 67 नंबर है, यानी कि देखिए आपको सबसे पहले प्रथम भाग में यानी कि फर्स्ट भाग में आपको पास करना पड़ेगा, 20 नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है, कंप्यूटर वाला भाग में, उसमें पास हो जाइएगा, उसके बाद ही आपका जो है दूसरा भाग का कॉपी जाँच होगा, नहीं तो दूसरा भाग का कॉपी जाँच नहीं होगा, ये बताया जा रहा है। और देखिए यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है कि उपरोक्त अनुसार निर्धारित प्रतिबिंदों में अर्थाओं के अधीन द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित 200 अंकों पर ही अभ्यर्थियों की अंतिम मेरिट लिस्ट बनाकर चयन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, यानी कि ये सब जो है इसका यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो निकालेगा और जो फाइनल यानी कि ज्वाइनिंग होगा वो इसी पर आधारित होगा, ठीक है, सेकेंड स्टेज में, ना कि फर्स्ट स्टेज वाला, ठीक, ये बताया जा रहा है। बाकी और सारा यहाँ पे बहुत सारा जानकारी दिया गया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कब से स्टार्ट होगा, तो ये 27/9/2022 से यहाँ पे 19/10 तक ये वाला आने की स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। गाइस आगे यहाँ पे परीक्षा का तिथि बताया जो गया है वो नवंबर 2022 का चतुर्थ सप्ताह, यानी कि आप लोग समझ लीजिए दिसंबर में होने का इसका यानी कि पूरा चांस है, ये यहाँ पे बताया गया टेंटेटिव, ठीक है। बाकी आप लोग को यानी कि और अगर देखना होगा तो ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल में जुड़ करके। बाकी यही था रहा यानी कि जो नोटिफिकेशन है वही है, आप लोग अप्लाई कीजिए और सभी लोग तैयारी में लग जाइए, ठीक है। इसका कट ऑफ वगैरह क्या क्या है सारा कुछ मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक। और हाँ, चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।